हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन शॉर्ट क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10% लॉ। 10% लॉ हमारा क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। मतलब हम फूड चेन के बारे में पढ़ा था, एक ऑर्गेनिज्म हमारा दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। मतलब जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो ये इस पर डिपेंड होगा, ये इस पर डिपेंड होगा अपने अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए। तो ये हमारी फूड चेन होती है। अब फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है, अब वो एनर्जी का फ्लो ही हमारा 10% लो होता है। तो ठीक है, अब ये होता कैसे है? जैसे कि ये एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है वो लो ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एनर्जी पिरामिड आता है। ठीक है, इसमें सबसे नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, देन प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं सबसे पहले, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, और सबसे ऊपर रहते हैं हमारे प्रीडेटर्स। ठीक है, अब इसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? मान लीजिए कि हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर था, यहाँ आ जाते हैं हमारे प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने अपना खाना बनाया है। ठीक है, अब क्या होगा, जो इसे खाएगा तो उसमें केवल उसकी 10% ही एनर्जी हमारी ट्रांसमिट होगी। वो कैसे होगी? जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी प्रोड्यूसर ने हमारा 100% खाना बनाया था। ठीक है, एनर्जी थी उसके अंदर 100%। अब जो नेक्स्ट लेवल में जाएगी वो उसकी केवल 10% जाएगी, जो कि हमारी 10% होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 10% जाएगी जो कि 1 होगी, फिर 10% 0.1, फिर 0.01। इस टाइप से जो एनर्जी फ्लो होती है 10% का रिडक्शन होता है, 10% का एनर्जी का रिडक्शन होता है हर ट्रॉपिक लेवल में। यही हमारा क्या हो जाता है, एनर्जी पिरामिड होता है। और अल्टीमेटली हमारे डिकम्पोजर आते हैं, डिकम्पोजर हमारे ऑर्गेनिक मैटर में मिक्स होके फिर उसमें से प्लांट्स वगैरह पैदा होते हैं। तो इस वे में हमारा एनर्जी पिरामिड वर्क करता है। और जो एनर्जी लॉस्ट होती है एज अ हीट की होती है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें जो एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, ये एनर्जी पिरामिड के अंदर आता है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा।